उधर भाग ही नहीं रहा है ना, पता नहीं नीचे कैसे पहुंचा। ये देखो खुल के बाहर आई है, भागे जा रहा। अंदर ले चलो घर में। अरे भाई यार अजाब है इस चीज को पकड़ना है। पकड़ने जा रहा था दोस्तों, रैबिट के चक्कर में बाहर आया ये मेरे हाथ से छूट के। आराम से थोड़ा थोड़ा पीछे होके चलो। वो वहां नहीं जा रहा, वहां जाते हुए डर रहा है। चलो 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 चलो। आ जाएगा। अबे तमाशे देख रहे हो, पकड़वा ना। तो यार बड़ी मुश्किलों से आखिर दोस्तों हाथ में आ ही गया ये हमारा मुर्गा मिश्री। बड़ा यार भगाया इसने कसम से। छत पे ले जाके इसको छोड़ता हूँ। चले भाई पकड़ो इसको, चलो उधर चलो सीधे अपने उनके पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों मैं जो हूँ ऊपर आया था सेटअप पे, और सिर्फ जैकी को उठा के ना रैबिट्स को अपने वहाँ पे ले जाके अंदर बंद करने का कर रहा था। पत्थर भाई ने बंद करा है तो सिर्फ बंद कर, मैं भी ऐसे ही ले जा रहा था भाई इनको बंद करने। इतने में भाई ये वाला जो हमारा मुर्गा है इसकी पता नहीं क्या हुआ, यहाँ से उड़ते हुए दोस्तों ये इधर तो आ नहीं पाया बेचारा, तो नीचे चला गया। उसके बाद जब मैं इसको गया हूँ उठाने के लिए, फिर मैंने मोबाइल उठाया, मैंने चलो इसको कैप्चर करते हैं कि हमारी आज कितनी पिद्दी मचाएगा। और हमारी अच्छी खासी पिद्दी मचाई है, वो भी है हॉल के अंदर घुस गया था कहीं जगह पे कोने पे, तो इसके थोड़ा तांच पे भी लग गई है हल्की फुल्की हल्का सा। यार बड़ा पिदा था यार ये तो, कसम से ये ऐसे निकल जाए हाथ से तो गया। तो एक चीज़ समझ आ गई दोस्तों, रैबिट को इनके साथ खोल के नहीं रखना, वरना ना ये कभी भी बाहर कूद जाएगा, और बाहर कूदा तो कोई भी पकड़ के ले जाएगा। जा बिन की रोटी कहाँ है? खत्म हो गई मेरे ख्याल। यार खत्म कैसे हो गई? यार दोस्तों कब से इनकी रोटी तलाश कर रहा हूँ, ये बोल रहा है खत्म हो गई है। अत्थर भाई जो है ना वो मेरे साथ ढूंढ रहे हैं कब से, वो बोल रहे नहीं यार खत्म नहीं हो सकती। अब समझ नहीं आ रही, इसी में रखते हैं हम, और अच्छी खासी रोटी पड़ी हुई थी। खैर थोड़ा सा ना दिमाग माफ हो रहा है कि थी या नहीं थी, खत्म कैसे हुई, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा इतनी सारी रोटी कैसे एकदम खत्म हो गई। यार तुम लोग गिराओगे मुझे किसी दिन। ये देखें सारे के सारे पांवों में आ रहे हैं। दे रहे हैं, रुक तो जाओ खाना दे रहे हैं भाई दे रहे हैं। यार छिलके लाए हो क्या तुम? नहीं है जंतर, मैंने डाल दिया था सारा। हाँ सारा खा गया वो माशाल्लाह भाई, तीन तीन रैबिट हैं, बच्चे थोड़ी हैं वो। ये डाल दो केले के छिलके, बाकी इनको मैं बाजरा भी डाल दूंगा। और तो यार आज इनका ना दोस्तों ना जंतर है और ना रोटी है। यार रोटी भी खत्म हो गई थी और रोटी अब आएगी, तो खैर रोटी का तो हमारा जरूरी नहीं होता क्योंकि रोटी इतनी ज्यादा हम भी नहीं ले सकते एक साथ, कहाँ से लाए। हमने अंडा दिया हुआ व्हाइट वाली ने। चलो 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 जल्दी तोड़ मत देना यार के भाई। चलो हटो हीरा, हटो 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 पीछे से। ये रहा दोस्तों, और शायद अभी अभी दिया है इन्होंने, मेरी अभी अभी नज़र पड़ी। चलो भाई माशाल्लाह हमारे हीरा का दोस्तों एक और अंडा आ गया। एक तो हमने मुर्गी के नीचे रखा हुआ है और अब एक याला भी अंडा आ गया। यार इस संडे को मैंने अभी यहाँ रख दिया है संभाल के, और जब नीचे जा रहे होंगे तो ले जाते हुए दोस्तों रख देंगे। बाकी अच्छी बात है यार हीरा का दूसरा अंडा आया, दूसरा अंडा आया ना, तीसरा अंडा। अच्छा दो अंडे सही है सही है, दूसरा अंडा आया, तीसरा अंडा आया। ये चौथा अंडा कैसे आया? तीन अंडे कहाँ से दिए? दो अंडे दिए थे, ये तीसरा अंडा है दोस्तों। सही बोल रहा है ये, क्योंकि दो अंडे दिए थे, हाँ ये तीसरा अंडा आ गया। चलो अच्छी बात है यार माशाल्लाह से दो अंडे हमारी मुर्गी के नीचे रखे हुए हैं, जो कि अंडों पे बैठी हुई है। और आज मैं आप लोगों को यार उसको भी दिखा दूँ हमारी। तो माशाल्लाह ये नहीं दोस्तों हमारी कड़क मुर्गी, सुबह डेली मैं इसको खोलता हूँ, और किसी दिन मैं इसको खोलूँगा आप लोगों को दिखाऊँगा, बल्कि किसी दिन नहीं कल ही, कल इसको दोस्तों मैं खोलूँगा दोस्तों, इसकी प्रोग्रेस दिखाऊँगा आपको, और ये क्या क्या हरकतें करती है ना वो भी दिखाऊँगा। आप खुद बोलेंगे क्या करती है, पूरा दिखाऊँगा मैं इसको खोल के, और खोलते हुए कैसे खुलती है क्या करती है बाहर आके। भाई बड़ी मुसीबत करती है ये। अरे वो क्या लग रहा है, क्या बीमार वगैरह? नजले में। एक मिनट यार अभी देख चेक कर लेते हैं। हमजा बता रहा है कि यार ये जो दूसरी वाली मादी है इसके अंदर पता नहीं इन लोगों को लग रहा है, बोल रहे मादी लग रही है वो फेस से लगती है, तो बोल रहा है वो शायद थोड़ी सी बीमार बीमार जैसे नजले में आ जाते हैं। तो मुझे तो दोस्तों कहीं से नहीं लग रहा है, ये देखें सही से खा रहा है माशाल्लाह से। कुछ इनमें से कुछ जानवर होते हैं ना, हर किसी की एक आदत होती है, मैं आपको बता दूं, कोई सुस्त टाइप का होता है, कोई ज़्यादा फ़ौरन से खाता है,
तो ये मुझे थोड़ा सुस्त टाइप का लगता है, जैसे कि हमारा ये बच्चा सुस्त है काले वाला बहुत ज्यादा। तो यार दोस्तों मैं आज आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, जो हमारे लिटिल नेट के उसने बेबी आया है उनका, तो बेबी को खूब अच्छे तरीके से वो संभाल लिए हमारी जो सेटल नेट की माँ दी है या नारे नहीं पता, लेकिन वो देखें अभी नीचे लेके बैठी हुई है या बैठा हुआ है, जब से ये देखने नहीं दे रही है। ये देखें नीचे रखा हुआ है इसने, अभी हमने आके देखा तो था जब मैंने खाना डाला था इनको, फ़ौरन से उठकर आई थी, पर बच्चे को यार मैं जल्दी जल्दी में दिखा नहीं पाया क्योंकि वो ना फ़ौरन जाके बैठ गई। अब देखें, अब हम थोड़ा हटेंगे, देखूंगा मैं, वेट करता हूँ कि बच्चे को दिखाए जल्दी से, उठकर आएगी ना फिर देखेंगे। चलो यार आज आ गए दोस्तों, पहचाने इस कबूतर को, ये वही कबूतर है जो हमने पकड़ा था। तो मैंने बोला यार काफ़ी दिन हो गए इसको नीचे बंद करा हुआ है, तो आज इसको हम खोलते हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पे घूमे फिरे, उड़ान भरे, ज़्यादा शुक्र है इसके पर नहीं है, मुझे लगा भी गया शायद उड़ने जैसा हो रहा था। चलो तुम थोड़ा यार छत की आदत डालो इनको ना, पी थी सुबह, जाओ जाओ उधर जाओ, हाँ घूमो फिरो थोड़ा खाओ पियो। तो यार अब से ना मैं इनको, आपको मैंने बोला था कि मैंने खोलूंगा, अरे यार ये फिर आ गया, चलो चल अंदर, ये दोस्तों खाने पे तुले रहते हैं इन लोगों को, चलो अंदर जाओ, चलो 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 एक एक करके, चलो चलो अंदर, चलो सीधे अंदर। रैबिट्स को ना, हमारे पीजन्स को, मुर्गियों को खाने पे तुले रहते हैं, पता नहीं क्या इनको शौक है खाने का इन लोगों को। यार इस वाले को हमने दोस्तों पकड़ लिया है वापसी से, क्योंकि वो जो दो है ना उनका पेयर बना हुआ है, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि यार ये दोनों आपस में सेट हुए हैं या नहीं, ताकि अगर ये जोड़ और मारो, देखें वो देखें दोस्तों गुटकना शुरू कर दिया उसने, तो मतलब कि ये सही है, कन्फर्म है दोस्तों ये नर है और वो मादा, अच्छी बात है दोस्तों ये। अगर ये आपस में जोड़ लगा लेते हैं मतलब कि ये दोनों फिर पेयर बन चुके हैं, तो बस हम ये देखने के लिए इसको थोड़ी देर अपने पास रखता हूँ मैं, और थोड़ी देर के लिए देखता हूँ कि ये दोनों क्या करते हैं। तो भाई तुम थोड़ी देर मेरे साथ रहोगे, ठीक है यार। जब तक वो दोनों कबूतर वहाँ खुले में, हमने दोस्तों अकेले रहते हैं, जब तक मैं इन बेबीज को खोल देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ठहलाए फैलाए, ठीक है। तो वो बाहर आके थोड़ा बहुत खेल कूद रहे हैं, तो मैं इनको आज खोलता हूँ और फीड भी करा दूंगा। तो यार दोस्तों चौथा भी लिया है, चारों के चारों खोल दिए हैं, और बाकी थोड़ी देर में मैं इनको फीड करा देता हूँ। बाकी मैंने बोला थोड़ा खोल के तो चेक करें, वो दोनों यार थोड़े छोटे हैं तो उनको बंद रहने देते हैं, वो अभी बहुत छोटे छोटे यूं करके चल रहे हैं, ना उनकी आंखें खुली हैं। तो यार माशाल्लाह हम तो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, देखते ही देखते पता भी नहीं चला। नरे वो भाई, नरे वो क्या कर रहे भागा कैसे वो फौरन पे, चलो 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 चलो। यार दोस्तों अब मैं इनको फीड करा देता हूँ जैकी से, और बाकी अब मैं इन लोगों को ना, आप लोगों को थोड़े और बड़े बड़े हो जाएं फिर दिखाऊंगा, क्योंकि डेली डेली दिखाऊंगा ना मज़ा नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह जब इतने बड़े बड़े हो जाएंगे ना फिर दिखाऊंगा, फिर तो ये हाथ भी नहीं आने वाले हमारे। खैर चलो यार हमदा जैकी को पकड़ के दे दो, मैंने फीड करा। तो यार आज हमारे जो ये है ना मिस्री मुर्गे साहब राजा, तो ये भाग गए थे भाई साहब बाहर बड़े प्यार से, आप लोगों ने देखा ना दोस्तों बड़ी मुश्किलों से हाथ में आए ये राजा, और पता नहीं हमदा हमदा तुम थे ना जब ये बाहर गया था ऊपर ही थे ना। तो यार रैबिट को मैं रख रहा था जैकी को, और उसको देखते हुए ऐसा भागा ये, पता नहीं बाहर निकला इससे, फिर बेचारे से ना अपना वो क्या बोलते हैं बैलेंस नहीं संभला एक तरीके से, तो ये घूम के आना चाह रहा था पर ये आ नहीं पाए, नीचे ही चले गए। मैंने इसको चेक वे करा, लगा लाख लाख शुक्र है दोस्तों, वैसे बहुत हाइट थी इसके लगी नहीं ये शुक्र है, लेकिन उड़ के ये चला गया। बाकी इतनी लंबी भी फ्लाई कर सकते हैं चिकन्स, ये मैंने देखा यार। खैर ये तो खैर नीचे है, इससे ऊपर ऊपर फ्लाई कर जाते हैं। खैर यार अल्लाह का करम है कि हमारा जो ये है ना राजा वो बच गया और किसी नुकसान में नहीं आया और सेफ रहा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।